गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस यू ओपन योर टेक्स्ट बुक हनीड्यू पेज नंबर 14 एंड एट दिस टाइम वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 3. हम पेज नंबर 14 पे यूनिट नंबर 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू लिसन मी अटेंटिव. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने पत्र को दोबारा से बंद किया और इसके पश्चात उसे बड़ी सावधानी के साथ वापस लिफाफे के अंदर रख दिया. I kept it awake all night. पूरी रात भर मैं जगता रहा. By morning, knew what I had to do. लेकिन सुबह तक knew what I had to do. मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है. I drove into Bridport just a few miles away. इसके पश्चात मैं Bridport के ऊपर गया just a mile away. कहता है कि वहाँ से Bridport जो था वो कुछ ही मील की दूरी पर था. आई asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. आई asked a boy, मैंने एक लड़के से पूछा जो कि Copper Beach में अपने डॉग के साथ, अपने डॉगी के साथ में वहाँ घूम रहा था. अब क्या पूछा जाता है लड़के से, सुनिए. हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग. कि उसने क्या बताया उसे, हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग. वापिस लौट के आओ, इसके अलावा वहां कोई भी नहीं है, सिर्फ हाउस नंबर 12 बताया है. बट ए बर्न्ड आउट शेल, लेकिन वह घर भी जिसकी की सेल्फ जो है वो जली हुई है. द रूफ गैपिंग, और छत जो है वह क्षतिग्रस्त है. द विंडो बॉर्डेड अप, और उसकी खिड़की के पास में तख्ते लगे हुए हैं. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. इसके साथ ही नॉक्ड मींस खटखटाना, मैंने अगले ही घर का दरवाजा खटखटाया. वेयर कोपर द विंडो बॉर्डेड अप. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. कहता है कि मैंने अगले ही घर का दरवाजा खटखटाया and asked, और उससे पूछा, if anyone knew the whereabouts means के बारे में of a Mrs. McPherson. मैंने उस लड़के से आगे ये पूछा कि Mrs. McPherson के बारे में क्या कोई जानता है. ओ यस, ओ हाँ, उसके बारे में हम जानते हैं. सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स. उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने स्लीपर में से मुझे ये बात कही. ही नीव हर वेल, वह जानता था उसे अच्छी तरह से. यहाँ हर किसके लिए आया है, मिसेस मैकफर्सन के लिए आया है. ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी. अब मुझे उसने उसके बारे में बताया कि वह प्यारी सी वृद्ध महिला. ए बाइट मॉडल हैड इट बट एट हर एज सी वाज अनटाइटल्ड टू बी. ए बाइट मॉडल हैड इट, कहता है कि वह पूर्ण रूप से अब छुप चुकी है क्योंकि उसकी अब उम्र हो गई है. बट एट हर एज सी वाज अनटाइटल्ड टू बी वाज नॉट सी. कहता है कि उसकी उम्र इतनी है कि उसे अब किसी भी प्रकार का निकनेम या कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता. वाज नॉट सी, क्या ऐसा नहीं था और क्या वह वहाँ नहीं थी. 101 years old. आज उस महिला की एज बताई है उसने कि वह महिला आज 101 वर्ष की हो गई है. सी हैड बीन इन द हाउस, वह अपने घर के अंदर ही रहती है. व्हेन इट कॉट फायर, और घर में कब रहती थी. कहता है कि सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब इस घर के अंदर आग लगी थी
उस समय वह घर के अंदर ही थी। No one really knew how the fire had started. No one, कोई नहीं really वास्तव में नहीं जानता, कहता है कि वास्तव में कोई नहीं जानता how the fire had started कि घर में आग कैसे लगी, आग की शुरुआत कैसे हुई। But it could well have been candles. लेकिन वह ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वह ऑलवेज कैंडल्स जलाती थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करती थी, नो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट यूजेस ऑफ कैंडल्स एज ए लाइट, प्रकाश के रूप में वह कैंडल का यूज करती थी और वह बिजली यूज नहीं करती थी। सी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की बजाय कैंडल यूज करती थी। Because she always thought electricity was too expensive. Expensive means महंगी। उसका सोचना हमेशा से यही था कि बिजली जो है वह कैंडल की बजाय बहुत अधिक महंगी पड़ती है, इसलिए वह electricity का यूज नहीं करती थी और वह कैंडल यूज करती थी। The fireman had got her out just in time. अब कहते हैं कि उसी समय फायरमैन अग्निशमन दल के लोग आते हैं और उसे बचा लिया जाता है। शिवाजी ने नर्सिंग होम नाउ, और इस समय वह नर्सिंग होम में अपने उपचार के लिए है। तब जब वहाँ उसके घर के अंदर आग लग जाती है, फायर कॉट इन देयर इन हिज हाउस, सॉरी उस समय उसके घर में जब आग लगती है तो इसके पश्चात वह नर्सिंग होम चली जाती है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे ये भी बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कि उसका घर कहाँ था, उस टाउन के उस कस्बे के दूसरी तरफ बर्लिंगटन हाउस था उसका, ऑन द डॉरचेस्टर रोड, और रोड बताया है कि डॉरचेस्टर रोड के ऊपर बर्लिंगटन हाउस के अंदर वह रहती थी। कंप्रीहेंशन चेक। अब इसके बाद में इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, यू ओपन योर नोटबुक एंड नोटेड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यूनिट। इस यूनिट से संबंधित इसमें जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे इस टाइम। सो यू नोटेड क्वेश्चन एंड आंसर विद मी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिट पॉट। इसका मीन्स ये है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिट पॉट, कहता है कि ब्रिट पॉट लेखक के यहाँ क्यों गया था। अब क्यों गया था वहां पे, द ऑथर गो जो है डिड प्लस मेन वर्ब, डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की, पास्ट सिंपल की, गो पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, चेंज इनटू फाउंड किस में बदल जाएगी, ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी वेंट में। आंसर देखिए इसका, द ऑथर गो की जगह वेंट हो जाएगा, द ऑथर वेंट टू द ब्रिट पॉट, द ऑथर वेंट टू द ब्रिट पॉट, किस लिए गया था, इन सर्च ऑफ मिसिज कॉनी मैकफरसन, इन सर्च सर्च ऑफ मिसिज कॉनी मैकफरसन। ये कहता है कि लेखक ब्रिट पॉट में सर्च में तलाश करना, मिसिज कॉनी मैकफरसन की तलाश करने के लिए गया। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ हम ब्रिट पॉट की जगह देयर भी कर सकते हैं, जैसे सजेस द ऑथर वेंट टू देयर इन सर्च ऑफ मिसिज कॉनी मैकफरसन, एज इट इज जो आपकी इच्छा, एज यू लाइक यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकफरसन नाउ,
नाउ आप श्रीमती मैकफर्सन कितने वर्ष की थी? सेकंड इसमें पूछा गया है वेयर वाज सी, वह कहाँ थी? वेयर वाज सी, इसका डायरेक्ट आंसर है बेटा, हम कैसे करेंगे उसकी एज बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द ओल्ड मिसेस मैकफर्सन वाज 101 इयर्स ओल्ड, अब वह 101 इयर्स ओल्ड की हो चुकी थी। एंड वेयर सी वाज, सी वाज क्वेश्चन को आंसर में चेंज कर देंगे, सी वाज इन द नर्सिंग होम एट दिस टाइम। इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे हम, मिसेस मैकफर्सन वाज कहाँ थी वो, सॉरी कितने वर्ष की थी? 101 इयर्स ओल्ड, 101 वर्ष की हो चुकी थी। सी वाज ए नर्सिंग होम अब देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है, मिसेज मैकफर्सन वाज 101 इयर्स ओल्ड, नाउ अब वह 101 वर्ष की हो चुकी थी। सी वाज ए नर्सिंग होम एट बर्लिंगटन हाउस, वह बर्लिंगटन के अंदर नर्सिंग होम में थी इस समय। सो यू नोट इट योर होम असाइनमेंट, देखिए आपका होम असाइनमेंट मीन्स, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ होम असाइनमेंट से पहले, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ, अब यहाँ ऑथर कहता है कि मैंने बहुत ही इजीली बड़ी आसानी के साथ बर्लिंगटन हाउस में जो नर्सिंग होम था उसे पा लिया था, क्योंकि वह उससे मिलने के लिए अब वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट पेज की स्टार्टिंग हो गई है बेटा, पेज नंबर 15 पे, देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, कहता है कि हॉल के अंदर, हॉल से जो रास्ता जाता था उसमें वहाँ पे पेपर चेन लगे हुए थे। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लोफ साइड्स एंगल ऑन टॉप, और कहता है कि उसके टॉप पर, उसके शीर्ष स्तर के ऊपर एक क्रिसमस ट्री जो कि पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा था, और वह एक कॉर्नर में रखा हुआ था, यानी कि उसमें लाइट ऑन थी क्रिसमस ट्री के अंदर और वह एक कॉर्नर के अंदर रखा हुआ था। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, आई सेड मैंने कहा, आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन, मैं श्रीमती मैकफर्सन का मित्र हूँ, टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ, क्रिसमस का उपहार लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, इसके साथ ही मैं, आई कुड सी, सी मीन्स मिलना है, देखना, थ्रो गुजरना, इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, कहता है कि मैं उस डाइनिंग रूम से होके गुजरा जहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति वाज वियरिंग ए पेपर हैट, जिन्होंने कि पेपर से बने हुए हैट पहन रखे थे, एंड सिंगिंग, और संगीत गा रहे थे। द मैट्रोन हैड ए हैट ऑन टू, मैट्रोन ने भी अपने सिर के ऊपर हैट लगाया हुआ था, एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और मुझसे मिलके ना वह भी बहुत अधिक प्रसन्न नजर आ रहा था। द मैट्रोन सी इवन ऑफर्ड मी ए मिंस पाइक, इसके साथ ही उसने मुझे एक मिंस पाइक पीस दिया, और सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और
मेरे साथ चलते हुए कॉरिडोर मीन्स दहलीज, जहाँ से हमारे घर की स्टार्टिंग होती है, हमारा मेन गेट होता है, वहाँ उस जगह को कॉरिडोर कहा जाता है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और इसके साथ ही वह मेरे साथ कॉरिडोर तक चलती हुई आई। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, अब कहता है कि मिसिज मैकफर्सन इज नॉट, नहीं है इन विद द अदर्स, दूसरों के साथ मिसिज मैकफर्सन इस समय नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। शी इज रादर कंफ्यूज्ड टुडे, आज मैं बहुत अधिक भ्रमित हो गई हूँ। वी थॉट इट बेस्ट, ऐसा मैंने सोचा। इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, हो सकता है वह एक रेस्ट पे, विश्राम पे हो। शी हैज नो फैमिली, यू नो, आप जानते हैं कि उसके कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, और उसके पास कोई भी मिलने नहीं आया। सो आई एम श्योर, इसलिए मुझे विश्वास है। शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि सिर्फ वह आपको देख के अत्यधिक प्रसन्न हो जाएगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। शी टुक मी, इसलिए वह मेरे लिए एक कंजर्वेटरी विकर चेयर्स लेके आती है, यानी कि एक आरामदायक जिसपे कि वह विश्राम करती थी वह चेयर लाती है। एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और उसके चारों तरफ उसने एक कुछ पॉट रखे हुए थे जिनके अंदर की प्लांट्स लगे हुए थे। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। Okay students, see you tomorrow and I have stopped my lesson at this time.